डायलिसिस, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम लोग आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में और यहाँ पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके चलते यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया है जिसमें काफी लोग आए हुए हैं बाहर से भी। सो लिसनर्स, मेरे साथ डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता हैं। डॉक्टर विनीत MBBS MD एम्स से हैं और उन्होंने DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी एम्स से किया है और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ब्लड डिसऑर्डर जो होता है, जो ब्लड डिसऑर्डर डिजीज होती है, एक्चुअली ये क्या होती है? तो यदि हम ब्लड की बात करें, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में हर जगह जाता है, यानी ब्रेन से लेके पैर तक हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है। तो नॉर्मली एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बिल्कुल वाइटल है, जो पूरी बॉडी में अवेलेबल है। तो ब्लड के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल जो कि हेमोग्लोबिन कैरी करते हैं, व्हाइट सेल जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और प्लेटलेट जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, और अन्य प्रोटीन जो ब्लड में होते हैं जिनके विभिन्न फंक्शन है। तो इन विभिन्न फैक्टर्स की कोई भी कमी को हम ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसके अनेकों 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 कारण है, कुछ भी कोई इतनी सिंपल सी चीज की किसी आदमी में लोहे की कमी है उसकी वजह से अनीमिया हो गया, हेमोग्लोबिन कम हो गया, से इतना कॉम्प्लेक्स कि किसी को ब्लड कैंसर है जिसकी वजह से कोई भी ब्लड सेल नहीं बन पा रहा। तो कोई भी ब्लड के कंपोनेंट में जब फेलियर होता है तो आदमी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग होने लग जाती है, वाइट सेल की कमी से इन्फेक्शन होने लग जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी से कमजोरी वीकनेस ये होने लग जाता है। तो इन सभी डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम को हम ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं। लिसनर्स, आइए बात करते हैं डॉक्टर राकेश राधाकृष्णन नायर से, जो कि MD हैं इंटरनल मेडिसिन एम्स से। उन्होंने DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजी किया है एम्स से और यहाँ पर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के फिजिशियन है। डॉक्टर राकेश, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हाय फ्रेंड्स। डॉक्टर राकेश, अगर मैं बोलूं थैलेसीमिया, सो थैलेसीमिया क्या है और ये किस तरह का ब्लड डिसऑर्डर है? जैसे आपने पूछा, थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज ए इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, माने पैदाइश बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट? सो नॉर्मली जो आदमी में खून में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है RBC, रेड ब्लड सेल्स, राइट? RBC के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है बॉडी में? इट इज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर, फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स, राइट? वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लंग से उठा के बॉडी के हर अंग को सप्लाई करता है। जैसे टैंकर लोरी ऑयल या वाटर सप्लाई करता है, वैसे हीमोग्लोबिन का यही काम है, टू सप्लाई ऑक्सीजन एवरीवेयर, राइट? थैलेसीमिया ये बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में और RBCs के प्रोडक्शन में जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण हो नहीं पाता सही से, राइट? तो उस पेशेंट में हीमोग्लोबिन और RBC की कमी रहती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से जो भी प्रॉब्लम होते हैं बॉडी में वो हो जाता है। तो ये नॉर्मल स्थिति में हीमोग्लोबिन जो बनता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक अल्फा ग्लोबिन होता है और दूसरा है बीटा ग्लोबिन। तो ये दो अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनता है, राइट? अगर किसी के बॉडी में अल्फा ग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम हो या बीटा ग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे पेशेंट्स को यूजली थैलेसीमिया जैसे और एंड अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं, वो सब हो सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी इज थैलेसीमिया। देयर आर सेवरल अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज वेयर देयर इज डिस्टरबेंस इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस, लाइक सिकल सेल, HBE डिजीज एंड मेनी अदर्स। सो थैलेसीमिया इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। अच्छा सर, एक और सवाल, जैसे थैलेसीमिया डे जो कि एक्चुअली 8 मार्च को होता है लेकिन सेलिब्रेट आज हो रहा है, ये क्यों मनाया जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज बिकॉज इट इज वेरी कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल्सो इन इंडिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अवेयरनेस ऑफ थैलेसीमिया इज स्प्रेड अमंग्स द कम्युनिटी, राइट? इवन दो दिस इज अ जेनेटिक डिसीज, नॉट एन एक्वायर्ड डिसीज, देर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट इट ऑल्सो। एज आई टोल्ड, this is a disorder of the globin protein, so this is a genetic disease, so iska jo disease lies in the genes. So when a child is born, hai na, unke aadhe genes father se aate hain, aadhe genes mother se aate hain. Jo thalassemia patient jo hota hai
उनको आधा जीन फ्रॉम फादर डिफेक्टिव मिलता है, आधा जीन डिफेक्टिव फ्रॉम मदर मिलता है। दो डिफेक्टिव जीन कंबाइंड होने पे थैलेसीमिया होता है, राइट। पर अगर फादर को सिर्फ एक ही जीन हो तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा बाहर, और मदर को भी अगर एक ही जीन में डिफेक्ट है तो शी विल बी जस्ट अ कैरियर, शी विल नॉट हैव एनी डिजीज मैनिफेस्टेशन। सो बेसिकली व्हेन ए पेशेंट इनहेरिट्स टू अबनॉर्मल जीन्स ऑफ द ग्लोबिन जीन्स, दे डेवलप थैलेसीमिया। सो हाउ टू प्रिवेंट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इवन अगर किसी को थैलेसीमिया आ गया तो उसका इलाज तो है, ट्रीटमेंट है, इवन क्योर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, बट उसका प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। वो एक है, और वो प्रिवेंशन अगर जब तक लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि थैलेसीमिया क्या है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय सिंपल टेस्ट, एंड अगर थैलेसीमिया हो भी जाता है किसी को, उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसा होता है और उसका क्योर भी संभव है विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब इन्फॉर्मेशन टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया, एवरीवन शुड नो। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार सिंह हैं। डॉक्टर पवन MBBS MD मेडिसिन DM हेमेटोलॉजी एम्स से हैं और आर्टिमिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर पवन, जब मैं अभी बात कर रहा था और डॉक्टर से, तो कुछ चीजें जो बातों में पता चली हूँ कि जैसे अब अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूँ तो उसमें जीन से आता है ब्लड पेरेंट्स के, एक सवाल मैं आपसे उसी को कंटिन्यूशन में करके शुरू करना चाहता हूँ कि क्या जैसे लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, क्या उतना ही जरूरी ब्लड टेस्ट कराना भी बिफोर मैरिज हो सकता है इम्पोर्टेंट? हाँ, सो एक्चुअली अगर हम देखें इस पे तो थैलेसीमिया एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। सो अगर दोनों पेरेंट्स मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर कैरियर हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना होती है। ऑलमोस्ट लाइक 25% चांस होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, वो अपने आप में एक गंभीर बीमारी है। सो प्रिवेंशन अगर हम देखें, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शन खाली दो हैं, या तो जिंदगी भर ब्लड टेस्ट चढ़ाना पड़ सकता है उनको, दूसरा ऑप्शन होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत ही खर्चे वाला काफी महंगा इलाज होता है, जो कि सब जगह पॉसिबल, सारे सेंटर्स पे पॉसिबल नहीं है, महंगा है। और दूसरी चीज ये है कि सब लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट उन्हीं का हो सकता है जिनके लिए, जिनके की भाई बहन में फुल मैच मिलता है, तो फुल मैच मिलने की संभावना भी 1/3 ही होती है। तो बेस्ट तरीका होता है कि प्रिवेंशन। तो अब ये है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो जैसे कि हम देखें कि हमारे देश में ज्यादातर शादियां जो होती हैं वो अरेंज मैरिज होती हैं, ठीक है। सो अरेंज मैरिज में जैसे कि हमारे यहाँ ज्यादातर धर्म में ऑलमोस्ट सभी धर्मों के और जातियों के लोग हैं, तो सब जगह हिंदुओं में अगर देखें तो खास तौर से जन्म पत्री और उस टाइप की मिलाई जाती है। तो इनफैक्ट कुछ एक लैब्स होती हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, उन्होंने अपने जीनोम पत्री करके भी एक उन्होंने टेस्ट कुछ वो बनाया, उसमें कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं। सो जन्म पत्री मिलाना और उसी प्रकार से अगर टेस्ट हम करके देखें, एक सिंपल सा टेस्ट होता है HPLC टेस्ट, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जो कि थैलेसीमिया के लिए होता है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कैरियर हैं या नहीं है। अगर पता है कि दोनों लोग कैरियर हैं तो अरेंज मैरिज में तो फिर भी चलो कहा सो ये कर सकते हैं कि दोनों फैमिलीज मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ब्लड कि उनकी शादी ना हो या कोई दूसरे ऑप्शन देखें। लेकिन अगर ये है कि अगर लड़का लड़की चाहते हैं तो भी शादी हो सकती है, पर उसमें यह होता है कि शादी होने के बाद अगर पता है दोनों लोग कैरियर हैं तो उनको हर प्रेगनेंसी में अपने प्रीनेटल डायग्नोसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर जगह उपलब्ध है, बट हाँ सभी बड़े शहरों में, इवन सरकारी जैसे एम्स में और PGI चंडीगढ़ में, वहां पे भी ये सुविधा सरकारी में अवेलेबल, बाकी प्राइवेट में कई जगह बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में अगर हम देखें तो सभी जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है प्रीनेटल डायग्नोसिस की, कि जब 10 वीक की गर्भावस्था होती है उस टाइम पे हम जो होने वाले बच्चे का फीटल सैंपल लेते हैं और उसे हम लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। पर इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और हमें स्क्रीनिंग करके पता होना चाहिए कपल्स का कि वो लोग कैरियर है या नहीं है। अगर दोनों लोग कैरियर है तभी थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना है, अगर दोनों में से खाली एक कैरियर है तो जरूरत नहीं होती है प्रीनेटल, तो उसमें बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं हो सकता है। अच्छा डॉक्टर पवन, एक बात बताएं, जैसे अभी आपने बोला कि दो चीजें होती हैं, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिससे ठीक होता है, दूसरा होता है कि सारी जिंदगी ब्लड जो है वो चेंज, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं? अगर हम देखें, मेरे अभी इसके पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है जनरल पब्लिक के लिए कि इसका बर्डन क्या होता है और कितना,
नॉर्मल लाइफ अगर हम देखें कि थैलेसीमिया अगर वो खाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 15 साल की उम्र तक 250 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और अगर 50 साल तक अगर वो सर्वाइव करते हैं तो उनको ऑलमोस्ट कम से कम 2000 यूनिट की ट्रांसफ्यूजन होगी। पहली चीज तो ये कि इतना यूनिट, फिर जितनी बार ब्लड चढ़ता है उतनी बार आयरन जाता है शरीर में, तो आयरन निकालने के लिए दवाइयां दी जाती है, उसमें इंजेक्शन भी हो सकते हैं, टैबलेट भी हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि खर्चा बर्डन, अगर मान लीजिए चलिए सरकारी अस्पताल में या थैलेसीमिया सोसाइटी के थ्रू अगर पेशेंट को ब्लड फ्री में भी मिल रहा है तब भी जो है आयरन किलेशन और जो दूसरी दवाइयां होती है, आना जाना और खर्चा, अस्पताल के चक्कर लगाना, उस हिसाब से मिला के काफी बर्डन हो जाता है बच्चे के ऊपर भी और फैमिली पेरेंट्स के ऊपर भी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नॉर्मल जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम, और प्लस आगे चल के थैलेसीमिया आयरन ओवरलोड होने की वजह से जो है और भी अंग खराब होने लगते हैं, एंडोक्रिनोपैथी होती है, हार्ट के ऊपर असर होता है, लीवर के ऊपर असर होता है। और दूसरी चीज ये कि जो हम आइडियल मेडिकल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि प्रॉपर आयरन किलेशन, आयरन निकालने वाली दवाइयां और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर, अफोर्ड करने वाले लोग जो अगर देखें या आइडियल जिनको मैनेजमेंट होता है वो थैलेसीमिया के 5-10% बच्चों को ही पॉसिबल हो पाता है, ज्यादातर लोगों को ये आइडियल मैनेजमेंट नहीं होता है, ये हमने देखा है। और इतना सब होने के बाद तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस कराई जाए, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप्स करे जाए, सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव होना चाहिए प्राइवेट एनजीओ की वजह से, और हम डॉक्टर्स की तरफ से भी हेल्प होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसके, क्योंकि अगर देखें हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट लेवल पे कर पाना बहुत मुश्किल है। लोग हैं, करते हैं, कई बार सरकार की तरफ से भी पहल होती है, लोग इसमें करते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि अगर इतना सब करने के बाद भी तब भी हम देखें तो हर साल हमारे देश में 10,000 थैलेसीमिया के नए बच्चे पैदा होते हैं, और सर्वाइविंग अगर हम देखें तो सर्वाइविंग जो डेटा है 2007 में एक बार एक पेपर पब्लिश हुआ था उसमें ये बताया गया था ऑलमोस्ट 70,000 थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। तो आप ये सोचिए कि हर साल अगर 10,000 पैदा हो रहे हैं तो खाली 70,000 ही क्यों है, दैट मीन्स कि वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग हमारे देश में 20 साल 30 साल से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, आखिरी में एक आपसे सवाल और लेना चाहूंगा, जैसे आपने बोला अवेयरनेस, तो मैं अगर बोलूं कि ये किस तरह की बीमारी है जिसके लिए अवेयरनेस जितनी ज्यादा बताई जाए उतने ही इसके केसेस कम होंगे तो क्या ठीक होगा? हाँ, अवेयरनेस है बिल्कुल, आप ये सोचिए ना कि बर्डन कितना है, जिसको कि हम खाली सिर्फ जानकारी से हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि कैरियर है या तो जो है वो अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो वो शादी ना हो, दूसरी चीज अगर मान लीजिए चलिए शादी हो भी रही है पता है तो हम प्रीनेटल डायग्नोसिस के द्वारा, सो आइडियली अगर देखा जाए तो ऐसे थैलेसीमिया के बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, पर प्रॉब्लम हमारे देश में सबसे बड़ी है कि पॉपुलेशन, अगर हम देखें पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट लाइक 1/4 to 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में है, तो बहुत सारे कंट्रीज है छोटे जैसे साइप्रस, सार्डिनिया, इन सब में इनका एग्जाम्पल है, इन्होंने थैलेसीमिया बर्थ जो है इनके ऑलमोस्ट ना के बराबर है जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो किया जा सकता है, बट सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसमें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, धन्यवाद। लिसनर्स, अभी हमारे साथ डॉक्टर ब्रिगेडियर अनिल खेत्रपाल हैं। डॉक्टर अनिल यहाँ पर आर्टेमिस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर की। सर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। थैंक यू सो मच। प्लीज सर, ब्लड बैंक, बिकॉज दिस इज अ ब्लड डिसऑर्डर डिजीज, सो जो हम उस पर बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे, ब्लड बैंक का कितना बड़ा रोल रहता है इस पूरी डिजीज की मैनेजमेंट? इनफैक्ट ब्लड बैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रॉब्लम बचपन से शुरू हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये पूरा अरेंजमेंट ब्लड बैंक ही देखता है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो ब्लड बच्चों को मिले वो ल्यूकोडिप्लीटेड हो। ल्यूकोडिप्लीटेड का मतलब होता है कि उसमें व्हाइट सेल फ्री या व्हाइट सेल रिड्यूस्ड, क्योंकि व्हाइट सेल के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, और क्योंकि इन बच्चों को बार बार ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो ये हमको इंश्योर करते हैं कि व्हाइट सेल फ्री ब्लड हो, और इसमें इनका ब्लड रिएक्शंस कम हो जाते हैं, सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्लड जो हम देते हैं वो फिनोटाइप मैच होना चाहिए। फिनोटाइप मैच मतलब जो बच्चे का फिनोटाइप है ब्लड का और जो डोनर के ब्लड का फिनोटाइप है वो मैच करना चाहिए, स्पेशली RH और CAL के लिए।
तो ये हम फिनोटाइपिंग मैच ब्लड देते हैं, ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड देते हैं, फ्रेश ब्लड देते हैं ताकि बच्चों को फायदा हो। इसके अलावा ब्लड के अलावा इसमें पूरा वायरल मार्कर की टेस्टिंग होती है, HIV की, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, सिफिलिस और मलेरिया की, ये पूरी टेस्टेड ब्लड होता है। और ये टेस्टिंग भी हम कैमिल्यूमिनेशन मेथड से करते हैं और साथ साथ ID नेट से भी करते हैं, जिसको इंडिविजुअल डोनर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये पूरा सेफ ब्लड हम पेशेंट को देते हैं। लिसनर्स, अब हम बात करेंगे पुष्प दहिया जी से, जो कि गुड़गावा हेल्पिंग हैंड्स करके एक ग्रुप है, उसको चलाती हैं। सो पुष्प जी, आपका स्वागत है रेडियो। थैंक यू सो मच। पुष्प जी, अगर मैं बोलूं कि ये किस तरह से आप ये जो हैं इस इवेंट के साथ जुड़ी हैं और किस तरह से आप अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं? बिल्कुल, मैं फाउंडर हूं गुड़गांव हेल्पिंग हैंड की, और पिछले 1.5 साल से ये ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे, एंड मैं उसमें अंडर प्रिविलेज को हेल्प करती हूं। लास्ट जब मैंने ये शुरू किया था तो आई सपोर्टेड फायर विक्टम्स, गुड़गांव में जितने भी फायर ब्रोक हुई थी उसमें हमने पूरी वॉलंटियर हेल्प से सपोर्ट किया है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है और जो एजेंडा है इस ग्रुप का, कि हम वॉलंटियर हेल्प से दूसरों तक कितना रीच जा सकते हैं, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू डोनेट बट दे डोंट हैव प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो उसमें जनरली हम फेसबुक लाइव पे ही जाती हूँ, मैं लाइव मेरा होता है, सब कुछ लाइव विजिबिलिटी है, कुछ उसमें हिडन नहीं है, सो इट्स लाइक दैट, एंड वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अराउंड द ग्लोब, दिस इज व्हाट इज माय मोटो। एंड इस प्रोग्राम से जो थैलेसीमिया अवेयरनेस है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसकी हमने पूरा फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग इज आई थिंक आजकल बहुत बड़ा बूम है, और डिजिटल मार्केटिंग आप बहुत लोगों तक रीच जाती है, मतलब कि एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक, सो आई बिलीव हम डिजिटल मार्केटिंग में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ, और वर्ड ऑफ माउथ तो है ही डेफिनेटली। तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट किया है और वहां से काफी लोग हमारे अब यहाँ पे इनवाइटेड हैं, दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग, एंड दे शुड नो अबाउट दिस थिंग, कि ये हमें पता होना चाहिए इनके कॉज एंड कॉन्स, कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी चाहिए। लिसनर्स, अभी हमारे साथ पार्था डे जी हैं, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के, आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर पार्था, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो द्वारा। थैंक यू वेरी मच। सर, आर्टेमिस बहुत ही रेगुलरली अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करता रहता है, सो मैं इसको क्या समझूं कि अवेयरनेस स्प्रेड करना आप लोगों का एक मतलब सोच का हिस्सा है? एब्सोल्युटली, ये आप देखेंगे हम जैसे प्लान करते हैं, हम सोचते हैं जो ट्रीटमेंट करके आप कुछ दूर तक ही प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं, अवेयरनेस करके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका आपने काफी दूर तक उसका सोल्यूशन पेशेंट एंड कम्युनिटी के पास लेके जा सकते हैं। सो हम ये मानते हैं, जो हम इंटरनली जो मिशन एंड विजन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं उसमें हम लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जितना भी स्पेशलाइज्ड जगह में हम काम करते हैं सब जगह के लिए हम सेपरेटली अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, और आपने देखे होंगे हमने ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलरली करते रहते हैं। समटाइम हम लोगों ने कुछ डे ले लेते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं, और समटाइम हम ऐसे ही लोगों के पास पहुंच जाता है, कभी टाइम हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल कैंपस में करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं हम पहुंच जाते हैं कम्युनिटी के पास, और कम्युनिटी के पास जाके उनको कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में ये अवेयरनेस कैंप हम करते रहते हैं। आपने एकदम सही बोला, ये हम लोगों का जो मैनेजमेंट पॉलिसी विजन मिशन है उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। थैंक यू सर। थैंक सर। अब हमारे साथ कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, और ये लोग गुड़गांव में ही रहते हैं और यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है। सर, प्लीज थोड़ा सा बताएं आप लोग। आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज अवर मिस्टर बॉमरी कर्नल आर के शर्मा, ही इज अवर सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम, आई एम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। आई एम द सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, एंड वी आर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन ऑल एस्पेक्ट्स, देयर सिक्योरिटी, देयर हेल्थ, देयर वेल बींग, लुकिंग आफ्टर, so all of us are trying to do that in all the places all over Gurgaon, and our president is Shri TK Sharma, who is the ex commissioner of Gurgaon, and with his guidance and the guidance of our patron Karan Ratan Singh, this federation is doing a lot of work, and in that process hospitals like Artemis, they have been taking a very good care of our senior citizens, they have given us special preference, special discounts, and today we are here
to attend one of the workshops on one of the subjects which affects maybe younger generation, later on elders also. So we are thankful to Artemis and the team who have invited us here. Thank you so much. Listeners, abhi mere saath Artemis Hospital ki HR head, Flight Lieutenant Saras Malik ji hain. Ma'am, aapka swagat radio. Thank you so much. I am really happy to be a part of this program and my heartiest congratulations to you. मैम एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जब मैं बात कर रहा था सभी डॉक्टर्स से सारे डॉक्टर्स एम्स के यू नो सो कोई एचआर आप देख रही हैं तो कोई कुछ आप लोगों ने अपना कुछ पैटर्न सेट कर रखा है हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती उनकी गाइडेंस के मुताबिक हम काम करते हैं एंड ऑल ऑफ अस नो दैट एम्स इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री एंड दे हैव द बेस्ट टैलेंट सो इट इज आवर एफर्ट दैट वी गेट द डॉक्टर्स ऑन बोर्ड फ्रॉम एम्स एंड वो भी बहुत खुश नसीब महसूस करते हैं अपने आप को कि वो आर्टेमिस से जुड़ रहे हैं स्पेशली हमारी हिमाटोलॉजी टीम एंड बीएमटी टीम में सारे डॉक्टर्स एम्स हैं जैसे आपने देखा एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम एंड हमारा एफर्ट यही रहता है कि बेस्ट टैलेंट को हम नर्चर करके रिटेन करके रखें थैंक यू लिसनर्स अभी हमारे साथ नेहा चौधरी हैं नेहा जी एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन और मीका एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाउंडर हैं आइए उनसे बात करते हैं नेहा जी आप एमीका जैसे इस इवेंट में आप साथ जुड़े हुए हैं तो किस तरह से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं अपनी तरफ से यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लेके आई हूँ सो दैट दे नो कम टू नो अबाउट थैलेसीमिया ये इसके स्टेजेस होते हैं वो यहाँ पे अवेयरनेस हो थैलेसीमिया को लेके इसके बारे में एंड सेकेंडली आनंद आर्नोल जी मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं क्योंकि मैं एक फिटनेस इंडस्ट्री से भी हूँ रनर हूँ तो मैं उनको करीबी से जानती हूँ मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इस इवेंट के साथ सो दैट इज व्हाई आई एम हियर सो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है थैलेसीमिया इज वन ऑफ द थिंग बट क्या और जो अवेयरनेस है किसी भी चीज को लेके क्योंकि आप खुद लीगल प्रोफेशन से हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिल्कुल होते हैं क्योंकि कई बारीकियां होती हैं हम गूगल से बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं लेकिन गूगल तो सरदर्द को कैंसर बता सकता है इसलिए राइट पर्सन के पास आना एक राइट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है सिमिलरली इन लीगल अगर हम कहें लीगल एजुकेशन को भी हमें उतना ही अवेयर करना चाहिए एंड सिमिलरली मेडिकल क्योंकि वो राइट पर्सन ही आपको बता सकता है कि वो क्या है थैंक यू थैंक यू सो मच अभी मेरे साथ जीएम फरीद खान जी हैं फरीद जी एक बात बताएं थैलेसीमिया की अवेयरनेस स्प्रेड करना क्यों इम्पोर्टेंट है थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर भी एक थैलेसीमिया अवेयरनेस ड्राइव की थी जिसमें हमारा यही मोटो था कि ब्लड डिसऑर्डर्स पे जितनी भी डिसीज होती हैं उससे लोगों को कैसे अवेयर कराया जाए और इसके लिए हम लोग हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में जाके थैलेसीमिया डिटेक्शन कैंप करते हैं एचपीएलसी टेस्ट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं थैंक यू सुनते रहे रेडियो द्वारका एक कदम कल की